स्नैप से मैं बोर हो गया हूँ। जैसा पहले छोड़ा था वैसा कुछ भी नहीं है अब इधर। अब मुझे नए मैप चाहिए जहाँ पे मैं राज कर सकूँ, और उससे पहले कुछ लोग चाहिए होंगे जो मेरा साथ निभाए इस काम में। चलो फिर देखा जाए कौन यहाँ पे सबसे पावरफुल है। वो तो इसकी पेटी भी बन चुकी है। कोई नहीं, फिर जिंदा हो जाएगा। अरे बॉस, आपने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। मुझे तो लगा मैं गया हमेशा के लिए। तुझे जिंदा इसलिए किया है ताकि तू यहाँ पे सब संभाल सके और मैं बाकी जगहों पे कब्जा कर सकूँ। पर बॉस, इस मैप में एक प्रॉब्लम है। पहले से यहाँ पे दो लोग हैं जो राज कर रहे हैं। उनको भी देख लेंगे, बस एक मैजिक करना है मुझे और वो मेरे कंट्रोल में होंगे। अच्छा बॉस। वो हंटर, नए मैप में इसलिए नहीं गया था कि तू वहाँ पे सबको पावर्स बांटे। हमने तुझे वापस लाने के लिए बोला था। अरे तुम लोग समझते क्यों नहीं हो, वो लोग गलत इंसान नहीं है। बस बस, लगता है तेरे ऊपर ही जादू कर दिया उन लोगों ने, तभी ऐसी बातें कर रहा है। अरे तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना, तुम लोग खुद जाके देख लो उधर। ठीक है एंजल, सुनो, इस बार तुम जाओगी नए मैप में, वहाँ पे देख के आओ कि वो पावर्स का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ जाके। मैं भी अपने घर जा रहा हूँ, मेरी वाइफ इंतजार कर रही है। ठीक है, जाओ तुम भी। अबे ये क्यों कॉल कर रहा है? हेलो। अरे बॉस, आपको पता नहीं आपकी मीटिंग थी स्कूल में, कुछ लोग हमें गन सप्लाई करने वाले थे। हाँ हाँ, याद आया, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, ओके बॉस। तुम सभी मेरे लिए अलग अलग मैपों में कब्जा करोगे, क्योंकि इस छोटे से मैप से मैं बहुत बोर हो चुका हूँ। अब मुझे अपना एरिया बढ़ाना है जहाँ पे मैं राज कर सकूँ, और इस काम में तुम लोग मेरी हेल्प करोगे। अगर तुम लोगों ने नहीं की तो एक सेकेंड में तुम्हारी पेटी बन जाएगी, तो समझ गए तुम लोग? जी बॉस, हम समझ गए। तो फिर तुम जाओगे हिरंगल, और तुम जाओगी सैनोक, और तुम यही रुकोगे क्योंकि इस मैप को तुम ज़्यादा अच्छे से चला सकते हो, और मैं जाऊँगा मीरामार क्योंकि वो सबसे बड़ा मैप है, वहाँ पे राज करने में लगी मज़ा आएगा। अच्छा तो तू है जोकर जो इतना टाइम लगा रहा था आने में, किसी काम में बिजी था तो इसलिए लेट हो गया। चलो बताओ फिर कितनी गन सप्लाई कर सकते हो? मैं सोच रहा था आप डील कैंसिल करते हैं और तुम्हारी मैं पेटी बना देता हूँ, फिर तुम्हारे बाद इस मैप को मैं चलाऊंगा। ओ ये सब क्या हो रहा है? तूने तो बोला था गन्स की डील के लिए आए ये सब। सॉरी बॉस, पर इन्होंने मुझे कुछ ज़्यादा ही यूसी दे दी, इसलिए तुम्हें अब मरना पड़ेगा। है सही कहा तूने बेटा, अभी तू नया नया ज्वाइन हुआ है, तुझे नहीं पता बेटे जोकर क्या चीज़ है। ये सब छोड़, तुझे करके ही दिखाता हूँ। अरे इतनी जल्दी इतने लोगों को मार दिया, भागो। तू भी बहुत चौड़ा हो रहा था। अरे ये कहाँ भाग रहा है, अभी पकड़ता हूँ उसे। अरे तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गए? तेरी पेटी जो बनानी थी बेटे, चलो अब रेडी हो जाओ। ये है मीरामार मैप। अरे इतने सारे कौओं की आवाज कहाँ से आ रही थी अभी? तुम कौन हो? मेरा नाम ब्लड रेवन है, और आज से तुम मेरी खास असिस्टेंट बनोगी। अब लग रही हो पूरी ब्लड क्वीन, तो चलो मेरे साथ इस मैप पे कब्जा करने में मेरी हेल्प करो। बॉस आपको पता है हमारे मैप में कोई अनजान बंदा आ गया है और वो हमारी जगह पे कब्जा करके बैठ गया है। तो तुम लोग इतना क्यों घबरा रहे हो, जाके उसकी पेटी बना दो। ठीक है बॉस, जैसा आपने कहा वैसे ही करता हूँ। ओए तुम दोनों, हमारी जगह पे कब्जा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ओए क्या कहा, तुम्हारी जगह? तुम्हें एक बात बता दूं, यहाँ का किंग अब मैं हूँ और तुम लोग अब मेरी पास सुनोगे सारी। जी बॉस, हम आपकी बात मानेंगे आपसे। तो जाओ अपने बॉस की ही पेटी बना दो। अरे तुम लोगों को हुआ क्या है? तुम्हें किसी और को मारने के लिए भेजा था तो तुम सब मेरे पे ही एम कर रहे हो। आज हम तेरी पेटी बनाएंगे, बॉस ने बोला है। तो फिर तुम्हारी पेटी ही बनानी पड़ेगी, और कोई चारा भी नहीं है। हाँ
अरे तुम्हें हुआ क्या है? क्या सोच रहे हो तुम इतनी देर से? मैंने अपने कुछ लोग किसी को मारने के लिए भेजे थे और वापस आके उन्होंने ही मेरे को मारना चाहा। बस यही सोच रहा हूँ इतनी देर से। किसको ठिकाने लगाना है मुझे बताओ, मैं कर देती हूँ। अरे पिकार्डो में कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया हमारी जगह पे। मैं अभी जा नहीं सकता क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम है, तो तुम जाके उनको देख लो थोड़ा। ठीक है, तुम टेंशन मत लो, मैं जाती हूँ। ओ तो तुम लोगों जो यहाँ पे कब्जा करके बैठे हो। अब ये लड़की कौन है? बहुत दिनों से मैंने किसी की पेटी नहीं बनाई, अब तो सभी की बनाने में मजा आएगा। क्या बोली, तू हमारी पेटी बनाएगी? देख तो ले से, अगर तेरे में हिम्मत है ना तो ब्लड क्वीन से लड़की दिखा दे, यही तेरा भूत बना देगी मार के। अच्छा तो चलो ठीक है, इससे भी लड़के देख लेते हैं। अरे असिस्टेंट, तुम तो बड़ी कमजोर निकली, तुम्हें जो पावर्स दिए ना लगता तुम सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही उसका। कोई ना, इसकी पेटी मैं ही बना देता हूँ। अभी तक ये लोग जिंदा है? स्टार गर्ल ने इन लोगों की पेटी नहीं बनाई? अच्छा तो वो तेरी दोस्त थी, उसकी तो बेटा पेटी बन चुकी है। क्या बोला, तूने उसकी पेटी बना दी? तुम सभी इसके लिए बहुत पछताने वाले हो। अरे असिस्टेंट, थोड़ा साइड हो जाओ, नहीं तो मैं चोट ना लग जाए इसे। काफी अच्छा लड़ लेते हो, पर अब बस बहुत हुआ ये खेल। बस इतनी ताकत थी तेरे में? मुझे तो लगा थोड़ी देर और लड़ेगा, क्योंकि मेरे सामने कोई पहली बार इतनी देर तक टिक पाया है, तो तेरे को एक चांस और देता हूँ। तू जा, अपनी पावर्स बढ़ा, और जब बढ़ जाए तेरी पावर्स मेरे पास आ जाइयो, जब आएगा फिर लड़ने का असली मजा। चल भाग ले अब यहाँ से। बॉस आपको पता है रोजोक वाले ब्रिज पे ना हमारे कुछ लोगों की पेटियां बना दी गई है। अभी ये क्या बोल रहे हो? जी हाँ बॉस, और हमने जाके जब चेक किया ना तो काफी बुरी तरह से मारा गया उनको। अच्छा तुम रुको, मैं चेक करके ही आता हूँ। ये कौन हो सकता है जिसने हमारे लोगों की पेटी बनाई? कोई भी हो साला, उसको तो मैं अब छोड़ने वाला नहीं हूँ, बस एक बार मिल जाए वो। बोलो क्या खबर लेके आया? अरे बॉस आपको तो एरेंगल का पता ही होगा, और बाकी जो आपने सैनोक में भेजी थी हार्लेट क्वीन सैनोक में कब्जा करने के लिए, उसको भी किसी हंटर नाम के बंदे ने हरा दिया। क्या, ऐसा कैसे हो सकता है? वो इतने पावरफुल थे तब भी हार गए? बॉस उनसे भी पावरफुल लोग हैं वहाँ पे जो काफी ताकतवर हैं। बस अब बहुत हुआ, अब इन सभी को बताता हूँ कि ब्लड रेवन क्या है। सैनोक और एरेंगल, ऐसी तबाही मचेगी ये सब देखते ही रह जाएंगे और कुछ कर नहीं पाएंगे। अब मचेगी रैंगल और सैनोक में तबाही। We'll be right back.
चलो फिर पार्टी कब दे रहे हो? ये कैसी आवाज थी? मुझे भी सुनाई दी। कैसी आवाज है? जमीन हिल पूरी। अरे ये कौन चिल्ला रहा है? आओ चलो साथ में देखते हैं। हाँ हाँ चलो चलो। अरे ये चीज है क्या? अरे हमारे मैप में आई कहाँ से? पता नहीं, अभी तक तो सब ठीक था, एकदम से ये चीज कैसे आ गई? मेरे को तो लगता ही उसी का काम है, ब्लड ड्रेवन का, क्योंकि तुमने उसे जैसे ही हराया उसके थोड़ी देर बाद ये आ गया। हाँ तुमने एकदम सही कहा। अरे ये हमारी बिल्डिंग के आगे खड़ा क्यों हो गया? अरे इसने तो इसको तोड़ दिया। कुछ तो कुछ करना पड़ेगा इसको रोकने के लिए। ओए हेलीकॉप्टर भेजो इसको मारने के लिए। अरे हंटर तुम्हें लगता है ये छोटा सा हेलीकॉप्टर इसके आगे टिक पाएगा? देखते हैं क्या होता है। ये लो तुम्हारे हेलीकॉप्टर का तो कचूमर बना दिया इसने। शायद इसको रोकना नामुमकिन है अब। अरे इतनी बड़ी चीज ये रंगल में आई कहाँ से? अभी थोड़ी देर पहले तो सब सही था। ये तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। इसको रोकेंगे कैसे? तो हर जगह तबाही मचा रहा है। ऐसे चलता रहा तो ये तो पूरा रैंगल तबाह कर देगा। इस गॉडज़िला को रोकने का क्या कोई तरीका नहीं है? नहीं तो ये ऐसे ही पूरा रैंगल तबाह कर देगा। अरे हंटर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ये जानवर पूरा सैनोक बर्बाद कर देगा। करे तो करे क्या, मेरे को तो ये भी समझ नहीं आ रहा। अरे एंजल एक आइडिया आया, जिसको मैंने हराया था हार्ली क्विन, उससे चल के पूछते हैं, कुछ ना कुछ तो पता चलेगा, क्योंकि उसको ब्लड रेवन ने ही भेजा था। हाँ ये सही कहा तुमने, चलो चलते हैं। ए लड़की जल्दी से खड़ी हो जाते, इसे एक सवाल पूछना है। मैं पूछो क्या पूछना है तुम्हें? जो ये ब्लड रेवन ने बड़े बड़े मॉन्स्टर्स भेजे हैं, इनको कैसे रोका जाए ये बताओ जल्दी। अच्छा इनको रोकने के लिए ब्लड रेवन के पास ऐसी पावर है जिससे वो किसी को भी अपने वश में कर सकता है। इन दोनों को भी उसने अपने वश में कर रखा है, तो इनसे छुटकारा पाने के लिए तुम्हें ब्लड रेवन की थोड़ी सी पावर को डिस्ट्रॉय करना है, और उसके बाद ये मॉन्स्टर अपने होश में आ जाएंगे और यहाँ से चले जाएंगे हमेशा के लिए। अच्छा तो ये करना पड़ेगा, ठीक है ले जाओ साहब इसे। उससे लड़ने से पहले एक बार जोकर से ही पूछ लेते हैं। हाँ सही कहा तुमने। अच्छा तो ब्लड रेवन की थोड़ी सी पावर डिस्ट्रॉय करनी है तुम्हें, तब जाके इन मॉन्स्टर से छुटकारा मिलेगा। हाँ सही कहा तुमने। ठीक है तो मैं भी चलता हूँ साथ में। नहीं नहीं तुम इधर ही रुको, तुम्हें बस यहाँ पे एक काम करना होगा। बोलो क्या काम है? सैनोक में कोई भी जगह सेफ नहीं है, वहाँ पे मॉन्स्टर ने हर जगह तबाही मचा रखी है। तो तुम एक काम करो, मेरी वाइफ को यहाँ पे कहीं सेफ जगह पे रख लो जब तक के लिए। ठीक है हो जाएगा ये काम।
तो तुम यहीं पे रुको, हम लोग जाते हैं। ठीक है, समझ गई मैं। लो आ गए मिरामार मैप। यहाँ पे तो सब नॉर्मली लग रहा है। हाँ सही कहा तुमने। अब ये लोग कौन आ रहे हैं? पर मिरामार में एकदम से एंट्री कैसे हो गई तुम्हारी? जादू वादू आता है क्या तुम लोगों को? हाँ भाई आता है मैजिक, तुम भी देखोगे? दिखाते चलो। फालतू में पेटी बनवा ली इन लोगों ने। चलो एंजल आगे चल के देखते हैं। हाँ हाँ चलो। अच्छा सुनो, तुम यहीं पे रुको, मैं बाहर जाके थोड़ा देख के आता हूँ वो गोडज़िला कर क्या रहा है। तुम यहाँ पे बिल्कुल सेफ रहोगी। ठीक है अब जाओ फिर। अच्छा हुआ जोकर गया, अब पकड़ती हूँ उस हंटर की वाइफ को। अरे तुम कौन हो और इन लोगों की पेटी क्यों बनाई तुमने? पेटी इसलिए बनाई क्योंकि तुझे पकड़ सकूं। हंटर से पुराना बदला लेना है मुझे, इसलिए तेरे को किडनैप करने आई हूँ। अरे बॉस आपको पता है मीरामार में दो लोग आए हैं बाहर से और वो आपके बारे में ही पूछ रहे हैं बहुत देर से लोगों से। अच्छा ऐसी बात, एक काम करो ब्लड क्वीन को साथ में ले जाओ और उन लोगों को यहाँ पे लेके आओ, मैं भी देखूं मेरे से कौन मिलने आए हैं इधर। ठीक है बॉस मैं समझ गया। जल्दी बोल तेरा हस्बैंड का है, नहीं तो यहीं पे तेरी पेटी बना दूंगी। अरे वो ये वाले मैप में है ही नहीं, वो किसी दूसरे मैप में गया है काम से। ओए रुक रुक रुक, अगर गोली चली तेरी पेटी बना दूंगा यहीं पे। अब कौन आ गया? अरे जोकर ये यहाँ पे कैसे पहुंच गया? लड़की तूने बहुत बड़ी गलती कर दी इसको पकड़ के, चल अब सो जा। आपका शुक्रिया आपने मेरी जान बचाई। ठीक है चलो अब यहाँ से निकलते हैं। जैसा आपने बोला था बॉस, मिल लिया इन दोनों को। बहुत ही अच्छा काम किया तुमने। हाँ भाई तुम लोग मेरे से मिलना क्यों चाहते थे? फालतू बात नहीं करूंगी, सीधा बोलती हूँ, तुमसे लड़ने आए हैं धर्म। अच्छा तुम मेरे से लड़ने आए हो इतनी दूर से? एक बात बताओ तुम्हारे अंदर इतनी पावर भी है जो मेरे सामने खड़े हो सकते? तुम फाइट करके तो देखो जब पता चलेगा। अच्छा ऐसी बात, तो आ जाओ फिर मैदान में। असिस्टेंट थोड़ा साइड हो जाओ वरना तुम्हें चोट लग जाएगी। कुछ ज्यादा ही पावर्स दिखा रही है, इसकी पेटी बना देती हूँ अभी। ये भागती कहाँ है? रुक अभी बताता हूँ तुझे, रुक। अच्छा तो यहाँ पे लड़ना चाहती हो तो आ जाओ फिर। तुम दोनों सुनो, यहाँ पे कोई भी आता है उसकी पेटी बना देना तुम दोनों, ठीक है? समझ गए बॉस। अच्छा तो तुम लोग इधर हो, अभी बताता हूँ तुम सबको भी।
front, he's only one that's quitting. So get up and stay committed. Don't be asking for permission. Hit the gas after ignition and start acting like you're winning. Up tere baari. Don't let others make you victims. Have a thought and have a vision. Don't get caught up in the millions. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light the shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light the shit up. बहुत ही अच्छा अटैक था, मेरी थोड़ी सी पावर्स तुमने ऐसी ही डिस्ट्रॉय कर दी, पर कोई नहीं, तुम्हें मारने के लिए अब मुझे ज्यादा पावर्स भी लगानी नहीं पड़ेगी। ये कैसी आवाज, जाके देखता हूँ जल्दी से। अरे एंजल, तुम्हें नॉक कर दिया इसने, ऐसा कैसे हो सकता है? ये लड़की काफी पावरफुल थी, पर मेरे आगे कोई नहीं टिक पाता। चलो अब इस खेल को खत्म करते हैं, तुम दोनों की बेटी के साथ। कहाँ गए लोग? साले भाग गए डरपोक, आपकी कभी दिखे ना तो कंफर्म पेटी बनाऊंगा पहले। बॉस, आपके जो मॉन्स्टर्स थे वो तो इरेंगल और सैनक से चले गए, अब क्या करेंगे? कोई ना, उन मॉन्स्टर्स को तो मैंने अपने कब्जे में कर रखा था, पर अब जो मैं लाने वाला हूँ उसको बस एक कंट्रोल करने वाला चाहिए। मतलब बॉस, समझा नहीं मैं। चल तेरे को दिखाता हूँ। आ गए इस जगह पे। तो ये राघव जिसकी मैं बात कर रहा था। अरे बॉस, ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। देखने में भी, और काम जब करेगा तब और ज्यादा खतरनाक होगा। बॉस, इसका नाम क्या रखा आपने? इसका नाम है मेका गोडजिला। बस ये तैयार ही होने वाला है, और जब ये तैयार हो जाएगा, इरेंगल क्या, सैनोक क्या, जितने भी मैप है सब हमारे पास होंगे, और मैं वहाँ का किंग बन जाऊंगा। बॉस, क्या ही चीज बनाई है आपने, बहुत ही खतरनाक। हाँ सही कहा तूने। अब वक्त आ गया है वापस फाइट में उतरने का, बहुत दिनों से ट्रेनिंग चल रही है। अरे हंटर तुम, और ये एंजल को क्या हो गया? अरे ये जब ब्लड रेवन से फाइट कर रही थी ना, तो इसने अपनी पूरी पावर्स लगा दी, तो वो खत्म हो गया। उसको तो बस थोड़ी सी लगी थी, पर उसने जब एंजल को मारा तो ये तो पूरी नॉक हो गई। अच्छा एक काम करो, इसको उठाओ ले चलो। अभी ये कैसी है? अभी भी इसे बहुत सारी चोटें लगी है, इसको ठीक होने में काफी टाइम लगेगा। ठीक है, तुम इसकी देखभाल करो। बॉस, ये पूरी तरह से रेडी हो चुका है, बस इसको चलाने के लिए एक बंदा चाहिए। ये सब मैं कर लूंगा, बस इसे तुम जल्दी से जल्दी एक्टिवेट करो, फिर इसके बाद मचेगी तबाही। यहाँ तो कुछ ज्यादा ही गड़बड़ चल रही है। अबे ये ब्लड रेवन कितना पावरफुल है, एंजल तक को हरा दिया इसने, भाई बहुत ज्यादा पावरफुल है ये। अच्छा एक बात बता, इतनी बड़ी मुसीबत आ रखी है यहाँ पे, हमको फेरो नहीं दिख रहा, ये किस कोने में जाके टपक गया है? अरे वो तो मीरामार में ही रहता था ना, वहाँ पे तो ब्लड रेवन आ चुका है। ऐसा भी तो हो सकता है इन दोनों की फाइट हो और ब्लड रेवन ने फेरो को हरा दिया हो। ऐसा भी हो सकता है। अरे सुनो तुम सब। अरे अब ये कौन आ गई लड़की? अरे ब्लड रेवन ने इसको अपने वश में कर रखा था और ये उसके लिए काम करती थी, पर अब ये हमारे साथ है। अरे ये सब छोड़ो, तुम्हें पता है ब्लड रेवन लिविक में क्या कर रहा है? वो वहाँ पे एक ऐसा मॉन्स्टर बना रहा है जिससे वो पूरे मैपों पे कब्जा कर सकता है आराम से, चुटकियों में सबको मार देगा। क्या, अभी तो हमने दो मॉन्स्टर को तो हटाया यहाँ से, इरेंगल और सैनोक से, अभी तीसरा कहाँ से आ गया? मुझे ये नहीं पता कब से प्लान कर रहे हैं ये, पर वो जो तीसरा वाला मॉन्स्टर है ना, वो बहुत ही खतरनाक है, दोनों मॉन्स्टर से भी ज्यादा। उसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अरे बस अब एक ही काम कर सकते हैं,
अपनी अपनी आर्मी से इकट्ठा करो और जाके मारते हैं उसे। मेरे पास बहुत सारी आर्मी थी पर उस गॉडज़िला ने काफी लोगों को मार दिया मेरे, तो अब हमारे पास तो बहुत कम लोग बचे हैं। मेरे पास भी थोड़े से ही लोग हैं, लड़ेंगे कैसे उससे? कहीं ना कहीं से बुलाना पड़ेगा आर्मी को, वरना जीत नहीं पाएंगे हम। इस काम में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। अरे भाई मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम रॉकी हो ना? हाँ भाई एकदम सही पहचाने हो तुम, इतने दिनों बाद। भाई कहाँ थे तुम? बस दूसरे मैपों में अपनी बातचीत बढ़ा रहा था मैं, और मुझे किसी ने बताया कि रेंगल और सैनोक में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो मैं यहाँ पे आ गया। और मैंने देखा तो यहाँ पे तुम्हें आर्मीज की जरूरत है काफी सारी, मतलब तुम हेल्प कर सकते हो? हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। चलो एक प्रॉब्लम तुमने सॉल्व कर दी तो ठीक है, मैं काफी सारी आर्मीज बुला रहा हूँ, तो तैयार हो जाओ सब। यहाँ से अकेला मैं ही जाऊँगा। अरे हम भी साथ में चलते हैं ना? नहीं नहीं, अगर मेरे पीछे कोई गड़बड़ होती है ना तुम लोग संभाल लेना, इसलिए मैं अकेला जाऊंगा। चलो ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। अरे ये कौन आ गया इधर? और रॉकी, सुनने में आया था कि तू बहुत दिनों बाद रेंगल में आया है, तो मैं आ गया तेरी पेटी बनाने के लिए। अरे भाई है कौन ये? अरे मेरा पुराना दुश्मन है, मैं बहुत दिनों से रेंगल में नहीं आया था तो ढूंढ रहा था ये, अब जब आ गया हूँ तो मारने के लिए आ गया है मुझे। एक सेकंड रुको मैं देखता हूँ इसे। काबालिडा, है बे गलत टाइम पे एंट्री मारता तू हमेशा। अगली बार आइयो ना, थोड़ा अच्छी प्लानिंग करके आइयो, फिर चल निकल अब यहाँ से। यहाँ पे आ तो गए पर वो है किधर? यहाँ पे तो कोई दिख भी नहीं रहा है, बस मौसम खराब है। वहाँ पे क्या आ रहा है ये? अरे ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। बॉस वेट, मैं देख के आता हूँ वहाँ पे क्या चीज है। अबे चीज क्या है ये? इसने तो हमारे शिप्स को ऐसी मसल दिया, अब बस इसी की कमी थी, लेजर भी छोड़ता है ये। अरे अब तो ये यहीं पे आ रहा है, अबे कितना पास आएगा बे, बस कर। अबे गया कहाँ? अपने शिप के नीचे है क्या? चलो ये सब रेडी हो जाओ, अपनी अपनी गन्स ले लो और अटैक करो उसके ऊपर। उसके वीक पॉइंट पे निशाना लगाओ सब। बॉस तुम्हारी शिप तबाह कर दी उसने, आप हेलीकॉप्टर में आ जाओ जल्दी। अभी ये तो गॉडज़िला है जो ये रेंगल में आया था, अभी ये हमें क्यों बचा रहा? अब पहले तो हमें ही मारने आया था ये, लगता है मैजिक का असर जब से उतरा है जब से हमारी साइड हो गया ये। अब
अभी ये तो सैंडबॉक्स वाला मॉन्स्टर लग रहा है जो सैंडबॉक्स में तबाही मचा रहा था, ये भी हमारी हेल्प कर रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। अब बताते हैं इस मेका गॉडज़िला को, चलो सब तैयार हो जाओ। देख के भाई देख के मरवाएगा तू। Who came up with this? Rosie Clemens. All up with you, my friend. Be careful! Fucking with the best. Wrong state, this is Jack. Fucking with the facts. Hope that he's alright. Yes. Continue the great work. Bullseye! Make the Godzilla चलो सभी काम हो चुका है अपना, निकलते हैं यहाँ से। और बॉस इन दोनों मॉन्स्टर्स का क्या? अरे ये अपने अपने घर जा रहे हैं, अब देख नहीं रहा। चल जल्दी चल, हम भी निकलते हैं यहाँ से। अबे भाई यहाँ क्या हो रहा है, ये सब क्यों खड़े हैं इधर? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, तुमने बचा लिया भाई सभी को। बहुत बढ़िया जोकर, बहुत बढ़िया, तुमने बहुत अच्छा काम किया। अरे मैंने अकेले नहीं किया है, उन दोनों मॉन्स्टर्स ने भी हमारी हेल्प करी थी, तभी जाके हमने ये फाइट जीती है। अच्छा चल कोई ना, जीत तो गए ना, चल अब पार्टी करते हैं। हाँ भाई तुम लोग आज कैसे खाली खाली लग रहा है इधर? तुम्हारा बॉस कहाँ गया? ब्लड रेवन बॉस गया बाहर किसी काम से। जब तक वो आ नहीं जाता तुम्हारी पेटी बना लेता हूँ। क्या हो रहा है इधर? अरे फेरो तू भी यहाँ पे आ रखा है, लगता है पिछली वाली मार भूल गया। पहले बात अलग थी और अब अलग है, अब लड़के देख पता चल जाएगा तुझे। अच्छा इतना कॉन्फिडेंस? हाँ इस बार बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। ठीक है तो चल फाइट करते हैं।
हमारी लड़ाई तो होती रहेगी, पहले इनसे तो निपट ले। ये लोग तो बच्चे हैं अभी मेरे सामने। अभी खत्म नहीं हुए, इनको भी बताता हूँ। अभी तो मतलब पहले से ज्यादा पावरफुल हो गया तू। चल कोई ना, मजा आएगा इस लड़ाई में। जोकर, मुझे ऐसा ही फील हो रहा है कि मिरामार में बहुत ही खतरनाक लड़ाई हो रही है। मेरे को लगता है फैरो भी उधर है। अच्छा, फैरो भी उधर, तो उसकी मदद करनी चाहिए हम लोगों को। उसकी मदद तुम कर सकते हो, मैं नहीं, क्योंकि मेरे पास पावर्स ही नहीं है पहले जैसी। बस थोड़ी बहुत पावर्स है जिससे मैं अभी जिंदा हूँ, और यही पावर्स मैं अब तुम्हें देने जा रही हूँ, जिससे तुम ब्लड रेवन का सामना कर सको। अरे मैं तुम्हारी पावर्स नहीं ले सकता। तुम्हें लेनी ही होगी मेरी पावर्स, क्योंकि मैंने तुम्हें ट्रेनिंग भी दी है और तुम्हें अच्छे से पता है कि कैसे यूज करते हैं ये पावर्स। ठीक है, मैं फिर तैयार हूँ। उस ब्लड रेवन को अच्छा मजाक चखाना। चलो बाय जोकर। अब वो नहीं बचने वाला। बस इतने में ही लेट गया, मेरे को तो लगा तू अभी और फाइट करेगा। तो अच्छा, ये जगह है। अब ये कौन आ गया था? अरे फैरो, तू ऐसे क्यों पड़ा है? मैं इसके अटैक से बच रहा था तो इसलिए लेट गया। तो चल खड़े हो जा, एक साथ मारते हैं फिर। अबे कहां गया ये? भाग गया साला डरपोक, लड़ा भी नहीं आखिर तक। अरे जोकर, तुम एकदम से कैसे आ गए इधर? मुझे एंजल ने बताया था तुम्हारे बारे में, तो उसने मुझे अपनी पूरी पावर्स दे दी और वो गायब हो गई, और फिर इसके बाद मैं यहाँ पे आ गया तुम्हारी हेल्प करने। अच्छा, पर कुछ भी हो, उस साले ब्लड ड्रेवन को तो छोड़ने वाला नहीं हूँ मैं। इस बार मैं जा रहा हूँ उसे ढूंढने। ठीक है जाओ, अगर मिल जाए तो मुझे भी बताना। महान ब्लड ड्रेवन, मैं आपके पास इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे आप थोड़ी सी पावर्स दो। तुम्हें पावर्स क्यों चाहिए? क्योंकि मुझे हर कोई मार के चले जाता है आराम से, और पावर्स आने के बाद उन सभी की मैं बैंड बजा दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें पावर्स देता हूँ, और एक काम भी, तुम्हें वो करना होगा। ठीक है बॉस। तो तैयार हो जाओ फिर। तुम्हारे पास काफी अच्छी पावर्स हैं, और तुम इससे अपने दुश्मनों से भी बदला ले सकते हो, तो जाओ इरांगल में तबाही मचा दो। अब सुन मेरी बात, मुझे कैसे भी करके रॉक की चाहिए। तू उसका फ्रेंड है ना, तो उसको कहीं से भी ढूंढ के लेके आ मिल्टा की फैक्ट्री में। अगर वो नहीं आया तो इस लड़की की पेटी बना दूंगा कन्फर्म। अरे ये क्या, अभी थोड़ी देर पहले तो सब सही था, यहाँ पे किसने हमला कर दिया? अरे हंटर, हुआ क्या इधर? यहाँ पे थोड़ी देर पहले एक आदमी आया था और वो रॉकी को ढूंढ रहा था, और रॉकी उसे नहीं मिला तो इसने यहाँ पे सब कर दिया, और हार्ली क्वीन को भी लेके चला गया, और इसने ये बोला कि मिल्टा की फैक्ट्री में आ जाना जब रॉकी मिल जाए। उसकी टेंशन मत लो, उसे मैं देख लूंगा। अबे तू कौन है? मैंने तो रॉकी को बुलाया था। ओए, जिस लड़की को तू पकड़ के लेके आया ना, इसको छोड़ दे तुरंत, नहीं तो बहुत बुरा होगा। भी मैं ऐसे नहीं छोड़ने वाला जब तक रॉकी ना जाए इधर। तो आई गया तू, तेरा ही इंतजार था। तूने गलत करा बेटे लड़की को पकड़ के, आज तेरी कन्फर्म पेटी बनाऊंगा, पहले मैं देखता हूँ उसे। इसको भी मैजिक आता है, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी ये साला कब से आग मारने लग गया? अभी बताता हूँ तुझे।
अरे जोकर, इसको मैजिक किसने सिखाया तुम्हारी तरह? पहले तो ये नॉर्मल था, ये शायद ब्लड ड्रैगन का ही काम है। सारे ध्यान से सुनो, अब ब्लड ड्रैगन कहीं पे जाके छुप गया है तो हम सभी को उसको ढूंढना पड़ेगा हर मैप में, और जिसको भी पता चले उसके बारे में तो बस एक बार बता देना, मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। तो मैं जा रहा हूँ उसे ढूंढने, तुम लोग भी अपने काम पे लगो। अरे हंटर भाई। हाँ बोल, क्या हुआ? अरे पैराडाइज में दो बंदों ने हमला कर दिया है और उन दोनों ने तुम्हारे सभी लोगों की पेटी बना दिया है, बस तुम्हारे वाइफ की छोड़ के। क्या? हाँ बॉस, ऐसे ही हुआ है। हंटर तुम एक काम करो, रॉकी को साथ में लेके जाओ सैनो, देखो वहाँ पे क्या हो रहा है, बाकी हम संभाल लेंगे। ठीक है, मैं जा रहा हूँ फिर। तो तुम इसी मैप में रुको, अगर यहाँ पे कहीं भी गड़बड़ होती है तो बताना। हाँ मैं समझ गई। तेरा हस्बैंड आया नहीं अभी तक, लगता है तेरी पेटी बनानी ही पड़ेगी जब आएगा वो। अरे भाई यहाँ पे तो कुछ ज्यादा ही पेटियां बना रखी इन लोगों ने, चला देखते हैं। तो आ ही गए तुम दोनों, फालतू बकवास नहीं, सीधा फाइट चालू करते हैं। अरे भाई जिसको देखो साला मैजिक कर रहा है, आ जा पीछे, तेरे से वहां निपटूंगा। तुम ठीक तो हो? हाँ मैं एकदम ठीक हूँ। हाँ ये जगह सही है, अब लड़ते आ जा। अब मेरी बारी। रॉकी भाई से पंगा, बहुत भारी पड़ेगा। ओए ब्लड ड्रिवन बाहर निकल, मुझे पता तू इधर ही है। मैं तेरा ही वेट कर रहा था फेरो, सब तू आए और मैं अपने हाथों से तेरी पेटी बना लूँ। अच्छा तो वहाँ से भाग क्यों गया था उस समय? मेरे को अपनी पावर्स बढ़ानी थी थोड़ी, तो इसलिए मैं चला गया था वहाँ, पर अब नहीं भागने वाला, तो चला जा फिर। अरे फेरो तू फिर से लेटा हुआ है, क्या हो गया इस बार? तेरी एंट्री खराब है बे, जब मैं इसके अटैक से बचता हूँ तभी तू आता है। चल कोई नहीं, दोनों साथ में लड़ते हैं इससे। अच्छा तो तुम दोनों लड़ोगे मेरे से? कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। ये क्या हुआ? इसका तो खेल समाप्त, अब तेरी बारी। अरे जोकर इसको हराना मुश्किल है, मैं इसको अकेले नहीं हरा पाऊंगा, तुम्हें उठना ही पड़ेगा, उठो जल्दी। अब हो गया मैं रिकवर, फाइनल अटैक करते हैं इस पे, जो होगा देखी जाएगी। तो ठीक है तैयार हो जाओ। हमेशा के लिए मर गया ना अब ये? हाँ ये अब मर चुका है हमेशा के लिए, अब ये हमें परेशान नहीं करेगा। तो आखिरकार हमने ब्लड ड्रैगन को हरा ही दिया।